सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह खेत में बीड़ा बांधते हैं, ठीक है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं मैं अपना खेत पे आ गया हूँ और इसमें कटिंग हो चुका है। तो कटिंग होने के बाद हम लोग को बीड़ा को बांधना पड़ता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बिखरा हुआ है अभी, तो इसको सीमेंट के बांधना पड़ता है। तो चलिए गाइज, बीड़ा देखकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं धान कटिंग होके नीचे में रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं ज़मीन पर कुछ इस तरह। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा खेत है, देख सकते हैं। तो अभी मैं बांधूंगा, उसके बाद बांध के साइड में रखना है। जो कच्चा है वो सूखेगा और पानी से जो भींग गया उसको सूखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, खेत के साइड में जो आयर होता है इसको आयर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आयर में रखेंगे, उसके बाद सूखने के बाद एक जगह तिरपाल से हम लोग रखना पड़ता है। तो वहाँ उस जगह पर आप लोग देख सकते हैं तिरपाल है, वहीं रखेंगे। उसके बाद गाड़ी आएगा, उसके बाद मैसा आएगा धान, ठीक है। तो थ्रेसर मशीन आएगा, उससे हम लोग पिसवाते हैं। कटिंग होकर ऐसा रखा जाता है, उसके बाद देखिए बीड़ा बांधने के लिए हम लोग इस तरह उठाना पड़ता है, इसको हम लोग बिछा बोलते हैं। उठाने के बाद दोनों को साइड में पकड़ना पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ाना पड़ता है, इस तरह पकड़ लेंगे, इस तरह घुमाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं घुमाने के बाद इस तरह करके छोड़ देना पड़ता है। तो इस तरह बांधा जाता है, इस तरह बारी बारी से सबको एकदम कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद इसको पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है, इस तरह पकड़ के निकालना पड़ता है। पकड़ के सो गाइज, गांव में खुद से खटना पड़ता है अपने खेत के लिए, ठीक है। तो आदमी जल्दी नहीं मिलता गाइज, उसके वजह से और महंगाई ज़्यादा बढ़ने की वजह से हम लोग को खुद से करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं खुद से करने से क्या होता है ना, बॉडी भी एकदम स्ट्रांग बनता है, एकदम मसल भी बनता है गाइज। इसीलिए हम लोग खुद से करते हैं ताकि शरीर भी स्वस्थ और काम भी हो जाए, ठीक है। आप लोग देखिए किस तरह काम करते हैं। सो गाइज, कुछ इतना अभी बांध चुके हैं हम लोग, आप लोग देख सकते हैं अभी इधर ये साइड बाकी है, पीछे साइड आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इधर में कंप्लीट करने वाला हूँ, देख सकते हैं गाइस। धान को कुछ इस तरह साइड में ले जाके रखना पड़ता है, तो जमा कर रहे हैं एक जगह हम लोग, ठीक है। तो इतना अभी बाकी है, एक तरफ से बांधते जाते हैं, उसके बाद उठाते जाते हैं फिर एक साइड से। आप लोग देख सकते हैं इतना उठाए हुए हैं, अभी सूखने के लिए दिए हैं इस साइड में, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह उठाते हैं हम लोग बांध के। सो गाइज, फाइनली बीड़ा बांधा हुआ कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं पूरा बाकी था गाइज। तो मैं अभी कंप्लीट कर लिया हूँ कुछ इस तरह, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो लगभग 3 घंटा लगा गाइज बांधने में, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और बांधा हुआ कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो बांधा हुआ है इसको अभी वहाँ उठा के रखेंगे, ठीक है। एक जगह इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद अभी इतना सारा है गाइज उठाने के लिए, इसको उठा के फिर एक जगह इकट्ठा करना है वहाँ पे। अब वो देख सकते हैं बांधा हुआ होने के बाद इस तरह उठा के रखना पड़ता है, एक जगह हम लोग को इकट्ठा करना पड़ता है गाइज। सो गाइज, कुछ ही देर में हम लोग को कंप्लीट होने वाला है, धान को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, देख सकते हैं इस तरह ढोड़ों से लाना पड़ता है, करना पड़ता है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह रखते हैं, ठीक है। और बाकी जो
नीचे से नहीं हम लोग रख पा रहे हैं, इसके लिए हम लोग ऊपर उठना होगा। देखो क्या है, चलो सुगा। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा करने के बाद थ्रेसर मशीन से धान को मैसा जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, शाम हो जाएगा जहाँ तक लगता है। आप लोग देख सकते हैं अभी 4 बज रहा है और कुछ इतना काम हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं गाइज, हम लोग एक जगह इकट्ठा कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और कुछ ही देर में पिसवाने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, थ्रेसर मशीन आ चुका है ट्रैक्टर के साथ, उसके बाद अभी मैसाएगा तो रात हो जाएगा। गाइज आप लोग देख सकते हैं रात होने लगा है, शाम आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरह खेत में काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो आप लोग पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।